मर्सिडीज C200, ये अपनी चाबी है। मर्सिडीज में जाएंगे सबसे पहले होटल में, हम इसको मैंने ब्लैंक की करना है, इरेज करना, मतलब अनलॉक करना है। मैनुअल सिलेक्शन में जाएंगे, जो भी आपका मॉडल होगा क्लास का वो करेंगे, सी पे क्लिक करेंगे, 8 से 14 में क्लिक करेंगे, ऐसे यस करेंगे। कंट्रोल यूनिट की का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, IR पे क्लिक करना है। पहले मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ चाबी की इन्फॉर्मेशन, इसका डाटा रीड करके दिखाता हूँ। ये कहता है प्रोग्रामर है जो आपका XP400 Pro, इसमें चाबी को लगा दो। लगा दिया आपने, ओके करेंगे, ये कम्युनिकेट होगा अपना XP400 के साथ अपनी चाबी को लेकर, उसका डाटा दिखाएगा अभी। ये देखिए बिलिंग कर रहा है, और यहाँ पर हमारा ये पूरा इसका डाटा दिखा दिया है कि इस तरह से इसका डाटा है चाबी का। ठीक है, सब चीज़ आ गया, पासवर्ड वगैरह हर चीज़ दिखा रहा है, SSID नंबर भी आ गया। यहाँ से स्किप कीजिए, अब मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, रिन्यू करके। ये रिन्यू बी की पे क्लिक करेंगे, बी के का IR में रखिए प्रोग्रामर के, ये रख दिया हमने चाबी को, और सिंपली इसको यहाँ से हम अभी ओके करेंगे। कहता है कंफर्म, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डिलीट कर देगा सब चीज, मतलब आपकी चाबी अनलॉक हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। ओके करेंगे, अब फिर से कम्युनिकेट करेगा ये XP400 Pro के साथ अपनी चाबी को लेकर। वहां पे ब्लिंक हुआ, यानी कि काम अपना ओके हो गया। ये देखिए सक्सीडेड टू क्लियर, देखिए चाबी का सब डाटा डिलीट हो गया। ओके करेंगे, मैं फिर आपको रीड करके दिखाता हूँ अपनी चाबी का डाटा जो है ब्लैंक हुआ है कि नहीं हुआ है। IR में चाबी को रखने बोलता है, और रखी भी है अपनी चाबी। सिंपली इसको ओके करके चेक करेंगे, ये लाइट यहाँ पर अभी ब्लिंक होएगी। ये देखिए काम एक्टिवेटेड हो गया है, अब ये दिखाएगा इसका डाटा। ये देखिए सब ब्लैंक हो गया है, ये ब्लैंक डाटा हो गया चाबी का, यानी कि आपकी चाबी दोबारा से यूज में आ गई है। आप मर्सिडीज की चाबी को दोबारा से यूज में ले सकते हो। स्किप कर देंगे, यहाँ से काम सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच, इस तरह से मर्सिडीज की चाबी को आप अनलॉक कर सकते हैं।